अभी मेरे गूज़बम्स खड़े हो गए. मैं अवार्ड लेके बाहर आई हूँ. नॉमिनेशन के लिए मुझे सिलेक्ट किया था, आज मुझे अवार्ड मिला. और सबसे बड़ी बात है कि मेरे मॉम डैड मेरे साथ है, जो मैं अपने भगवान मानती हूँ, आज वो मेरे साथ खड़े हैं. सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. और आप सब लोग मेरे सामने खड़े हो, मेरे फ़ोटो ले रहे हो. सी, सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. हाँ, सी मेरा कोविड में एक्चुअली मेरा ये था कि मैंने जूहू बीच पे, यहाँ पे जेएलसी क्लब है जूहू बीच पे, यहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं. और बेसिकली मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, और 2019 में मुझे मिसेस इंडिया वर्ल्ड का अवार्ड मिला था. और जूहू बीच पे मैंने आई एम जुम्बा इंस्ट्रक्टर, तो फिटनेस का मेरा ये है, फोटे है. तो मैंने यहाँ पे सबको बहुत सारा फ्री में एक्सरसाइज और वो सब करवाया है, जो कोरोना के टाइम पे सब लोगों को बहुत इफ़ेक्टफुल रहा है. तो सर, अजय मतलब बेटी आपकी इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो अजय से अवार्ड मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरी लड़की है, मेरा लड़का जैसा ही है, मेरी लड़की बहुत प्राउड है. मैं सोया ही नहीं रात को, सोया नहीं कि मेरी लड़की, मेरी बेटी को इतना अवार्ड. मेरे को फोन है, मैं तुरंत गाड़ी में बैठ गया, इधर आ गया. ऐसे माता आप क्या कहेंगी? मैं अंकल ने कहा कि बेटा है, बेटी नहीं हूँ, आप क्या कहेंगी? पहले तो मैं आपका सबको थैंक यू बोलने वाली हूँ. मेरी मम्मी पहली बार माइक पे बोल रही है. एक्चुअली मैं सूरत से हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम सूरत, बट लास्ट 12 ईयर से मैं बॉम्बे में रहती हूँ. और यहाँ पे एक्चुअली मैंने जो नाम कमाया है, मैंने अपने आप से नाम कमाया है. सो वो मेरे मॉम डैड के लिए बहुत प्राउड की बात है. वो ये बोलना चाहते हैं, बट ये थोड़े यू नो खुशी के मारे बहुत ये हो गए हैं, सो वो बोल नहीं पा रहे हैं. Means I'm so glad and happy to receive this award, this Mother Teresa Award from Ray of Hope Foundation. They are doing a great job taking care of kids, and they are doing a lot. It's something to be seriously to be talked about, and more people should join them and help them in progressing whatever the work they are doing towards the society for the children. And I personally is very fond of kids, and then I always try, love to get involved into things where I can, you know, like somewhere or the other can help the underprivileged kids. When I get associated with such kind of foundation who are really working for the underprivileged kids, I really feel good, and they are doing amazing work, especially to the founder, Edward Pereira, who is doing a great job. So all the best to them, and I'm sure that they're going to do even better and even more towards the society. Huh? बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप जब कोई अवार्ड जीतते हो, आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आपको मतलब दिस इज़ मोर लाइक अ काइंड ऑफ अ अप्रिशिएशन दैट यू गेट बिकॉज यू आर वर्किंग टूअर्ड्स द सोसाइटी. और इट ऑल्सो गिव्स यू मोर इंथू एंड एनर्जी टू वर्क मोर एंड मोर फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. अभी मैं रेट कर रही हूँ कृष्ण अभिषेक के साथ, डायरेक्टेड बाय अशोक त्यागी. और माई नेक्स्ट फिल्म इज़ न्यूयॉर्क टू हरिद्वार, एंड देन अगेन आई एम डूइंग अदर साउथ मूवीज़ एज वेल. अभी थोड़ा सा थिएटर्स वगैरह खुलने लगा है, तो अभी सब कुछ विल गेट इनटू नॉर्मल, थिंग्स आर टर्निंग इनटू नॉर्मलसी. सो लुकिंग फॉरवर्ड. मैं तो कर मतलब दिस इज़ व्हाट आई लव, एंड आई नो लाइक हाउ मच पीपल लाइक वी कैन गो अहेड एंड गो फॉरवर्ड एंड हेल्प पीपल हु एक्चुअली नीड अस. तो व्हेन हमारे पास जब ये एक मीन्स वी हैव द सोर्सेस, तो क्यों उसको यूज़ ना करें. सो लॉकडाउन में आई हैव गॉन टू द यू नो टू द स्लम्स एंड दोस वेर अंडर प्रिविलेज किड्स एंड पीपल स्टे, वहाँ पे जाके आई डिड वॉट एवर द बेस है. मुझे बोलना नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा ये सब बोलने की बात नहीं होती है, करना चाहिए हमारे लिए. कभी कभी बोल दिया ताकि अदर पीपल ऑल्सो गेट इंस्पायर, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम आई बिलीव कि वी शुड बी लिव क्वाइट एंड डू फॉर द सोसाइटी विदाउट इवन मेकिंग नॉइज. थैंक यू सो मच. नितिन वशी है, आई एम अ बॉलीवुड कोरियोग्राफर, और मैं सूरत गुजरात से हूँ, और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड में काम करता हूँ.
आज इतना सुंदर, जब हम कोरोना में हम लोग एक आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ एक कोरोना में भी हमने सेवा की है आर्ट और कल्चर के थ्रू। हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने पैद यात्रा की है। साथ साथ में हम NCWC के वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ सबको अनाज करियाना के साथ साथ हर चीज़ बांटी है, और उसके लिए आज हमको ये रे ऑफ होप फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड मिला, सम्मानित मिला। तो वी आर वेरी हैप्पी और थैंक्स टू मैनेजमेंट टीम। देखो, हर कलाकार के लिए अवार्ड इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि उनके नज़रिए से हर चीज़ हमको देखते हैं, हमको सम्मानित मिलता है। जब सम्मान मिलता है तो काम करने के लिए एक उत्सुकता होती है, और वो उत्सुकता मिलती है तो और काम करने का जोश आता है। सो दैट्स वाई वी गॉट अ अवार्ड, और अच्छा लगता है। और आप सबका प्यार की वजह से थैंक यू सो मच एवरी। ये अवार्ड लेकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मदर टेरेसा जो मेरे लाइफ में मुझे इंस्पायर किया है कि एक स्त्री को, एक महिला को कैसे आगे आना है, कैसे सबके सामने लड़ाई करके अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी, एक औरत बनानी है, वो हम मदर टेरेसा से सीखे हैं। सो प्राउड कि मुझे आज ये अवार्ड मिला है। मैंने अपने, जब मैं विनर हुई थी तब मुझे बोला था कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, तो मैं वहाँ उस दिन मदर टेरेसा जी का ही नाम लिया था, और आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है, और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू। मेरा नाम जुमाना अली मोरबी वाला है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मुझे रे ऑफ होप मदर टेरेसा का अवार्ड मिला है। एक सोशल, बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट के हिसाब से मुझे नॉमिनेट किया गया। बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मदर टेरेसा अवार्ड बहुत गर्व की बात है, जो मुझे नॉमिनेशन में सिलेक्ट किया और मुझे अवार्ड मिला। आई फील वेरी प्राउड। मेरा नाम डॉल्फिन दुबे है, और आप सभी मुझे क्राइम शोज़ में सबसे ज़्यादा देखते आ रहे हैं पिछले 10-11 सालों में, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, और कलर्स के काफ़ी सारे शोज़ जैसे कि उड़ान, देवांशी, तू आशिकी, और इस वक्त जो शो चल रहा है वो है ससुराल सिमर का 2, जिसमें मैं यामिनी देवी का किरदार निभा रही हूँ, जो इस वक्त चल रहा है। जी, सही मायनों में एक कलाकार के तौर पर मुझे लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट ये जो एक काफ़ी बड़ा टैग है, छोटा टैग नहीं है, और कोविड के दौरान जिन लोगों का ज़्यादा योगदान रहा है उसमें हमसे ज़्यादा बढ़कर मुझे लगता है कि हमारे दूसरे विभाग हैं, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो बैंकर्स हों, हमारे पुलिस विभाग हों, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिया है। और जो भी सेवा संस्थाएं हैं जिसमें से रे ऑफ होप है, यानी कि एक उम्मीद की किरण, और इन संस्थाओं ने आकर, आगे आकर मानवता धर्म को निभाया है, और हम जैसे सभी लोगों को ये पुरस्कार देकर, हमें सम्मानित करके ये प्रोत्साहन दिया है, और हमें मानवता के धर्म में आगे बढ़ते रहने के लिए, अग्रसर रहने के लिए कहा है, मैं तो ये कहूँगी। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भाई, क्योंकि परेशानियां बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे सभी लोग, और कलाकारों के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था कि आप कैसे मतलब अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि आप कोई सैलरी नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें रही हैं, बट उसमें अपनी क्षमतानुसार जो हो सका है आगे से आगे आकर वो करने की कोशिश की है, और अपने कलाकार होने पर जो भी हमारे कलाकार दोस्त यार हैं, यार बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ जितना काम हम लोगों ने किया है पूरे पेंडेमिक के थ्रू, और करते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने वाड़ा में एक गोरा ज़िले में आई हैव ओपनड अ स्मॉल लाइब्रेरी, आई एम वर्किंग विद पुण्यकर्मा फाउंडेशन, आई हैव ऑलवेज बिन विद देम सिंस द इंसेप्शन, और उन लोगों के साथ काम करते करते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशली, हमारे आई स्पेशली वर्क फॉर अंडर प्रिवलेज इन एंड अराउंड मुंबई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से हम जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर थोड़ा 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 करके भी अगर सब लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ना, सो आई थिंक जितनी भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं अनएजुकेशन की या बिलो पॉवर्टी लाइन की, आई थिंक दैट वी कैन ओवरकम वेरी इजीली। सो या, कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड कीप मेकिंग वर्ल्ड ए गुड प्लेस। सी, अवार्ड्स नॉट ओनली एनकरेजेस यू टू डू गुड, बट इट्स एन अप्रिसिएशन ऑल्सो।
सब लोग अप्रिशिएट तो एक साथ नहीं कर सकते, सो अवार्ड इज़ अ वे टू अप्रिशिएट अ पर्सन एंड इट्स अ गुड थिंग. बींग अ पब्लिक फिगर इट्स माई ड्यूटी टू कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन एज एन एंटरटेनर एंड एज अ सोशल पर्सन ऑल्सो. So it's a good feeling and thank you for this award. I'm glad that this platform has chosen me to award for this. Show is doing very well. This is a very different role that I'm playing, something which I've not played earlier. It's fun, it's quirky, it's masaledar and it's powerful. I'm enjoying every bit. Thank you. टेरेसा अवार्ड ये जुड़ना ही मेरे नाम के साथ ये जुड़ना ही बहुत खुशी की बात है और ये फीलिंग आना ही कि आपको मदर टेरेसा अवार्ड मिल रहा है ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये प्लेटफॉर्म मिला क्योंकि मैं खुद भी एसोसिएटेड हूँ आस्था फाउंडेशन से, मैं खुद भी वही काम करती हूँ. तो ये मैं पहले रोप फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और मुझे अवार्ड देके प्रोत्साहित किया जिससे मैं सोशल काम और ज़्यादा कर सकूं. मैं 15 सालों से सोशल काम कर रहा हूं. मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूं जायंट्स ग्रुप ऑफ पुणे मेट्रो का, ये ब्रांच है जायंट्स ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल का जो नाना चुड़ासमा पद्मेश नाना चुड़ासमा इन्होंने मुंबई में चालू किया था, उसका ब्रांच है. हम 15 साल से सोशल वर्क कर रहे हैं. कोरोना के टाइम भी हमने अलग अलग वीडियोज़ रिलीज़ किए थे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ताकि वो मिलियंस ऑफ लोगों तक मैसेज पहुँचे कि कोरोना में उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए हमने मैसेजेस दिए थे. थैंक यू. मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि ये जो मदर टेरेसा अवार्ड है बहुत ही बड़ा अवार्ड है और मुझे ये जो दिया गया है वो इसके लिए मैं होप फाउंडेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. धन्यवाद. मराठीत बोलायचं झालं तर मला खरंच खूप छान वाटतं आहे कारण माझ्या मुलीचं प्रोफाईल पाहून या लोकांनी मला हा अवॉर्ड दिला त्याबद्दल खरंच मनापासून खूप खूप धन्यवाद. माझी मुलगी लिटिल मिस एशिया आहे, मराठी ॲक्टर आहे ती. आत्तापर्यंत तिने भारतात आणि भारताबाहेर 50 फॅशन शोज केलेत. तिने लंडन किड्स फॅशन वीक, त्यानंतर सिंगापूर, दुबई अशा बऱ्याच ठिकाणी आपल्या भारताला रिप्रेझेंट केलेलं आहे. वयाच्या 10व्या वर्षी ती आत्तापर्यंत 28 फॅशन शो विन आहे. बरंच काही काही अजून सांगण्यासारखं आहे पण छान वाटतं आहे, मला खूप छान वाटतं आहे आज इथं तुम्ही मला बोलवल्याबद्दल. मला खूप छान वाटतं मम्मीला अवॉर्ड भेटलं. खरं तर ह्या सगळ्याबद्दल मम्मीचाच हात होता, मम्मीच माझी बॅकबोन होती. सो थँक्यू सो मच मम्मीला हे तुम्ही अवॉर्ड दिलं, मी खूप खूप आभारी आहे. आज तिचा वाढदिवस आहे सो मला तिच्या वाढदिवसानिमित्त हे खूप मोठं गिफ्टच तिच्याकडून मिळालेलं आहे सपोज, आणि मी तुमच्या सर्वांचे खरंच मनापासून धन्यवाद मानते. धन्यवाद. इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी नॉमिनेटेड अँड टू गेट दिस अवॉर्ड. It was really nice. We had seen so many of Bollywood actors, specifically VIP sir who was here. He was entertaining so much. During the COVID, we all had lots of problems. We had faced so much of issues. But still, after the finishing of pandemic, at the end of COVID, we can see what we had done. We are receiving this award. And I am very much grateful to Mr. Patel sir who had nominated me and given this award. Thank you very much. Ji. Salaam, Namaskar, Shushregal, dosto. दोस्तों रे ऑफ होप जो फाउंडेशन है उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इन लोगों का इतना अच्छा काम है. जो भी नीडी पीपल हैं, जो भी जिनको भी ज़रूरत है जिस चीज़ की, ये लोग वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं. और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला. मुझे लीगल में ये एडवोकेट का अवार्ड मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रे ऑफ होप टीम के सभी मेंबर्स से. और मदर टेरेसा जो अवार्ड दिया है ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है. और थैंक्स बोलना चाहूँगा वीआईपी भैया को और पूरे क्रू मेंबर्स को. धन्यवाद. हाँ, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, अवार्ड है, बहुत कुछ है. साला मेरे को अभी घर लेने का और है, इतना अवार्ड है अभी कहाँ रखूँ मैं, पवन के घर पर रखूँगा मैं अभी. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीआईपी और बहुत खुशी हुई मुझे आज यहाँ पर आकर क्योंकि एडवर्ड जब मैं उनसे मिला मैं. और जो कहते हैं ना कि ये अवार्ड अपने आप में मायने रखता है,
मदर टेरेसा, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ किया है, अगर वो अवार्ड से हमें नवाजा जाता है तो हमारा भी कुछ ऐसा होता है कि हमें भी कुछ करना है समाज के लिए। तो थैंक यू सो मच पूरी टीम, और धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से हम कलाकारों को हम प्रोत्साहन करते रहे, हम अपने क्षेत्र में अच्छा काम देंगे आप लोगों को, आप लोग हंसाएंगे दिल से, और ऐसे ही अवार्ड देते रहने का रे। थैंक यू सर। कोविड काल में जिनके जॉब गए हैं, जॉबलेस है, नौकरी नहीं है, उन लोगों को जॉब देने का काम हमारी जो संस्था है वो पिछले 22 साल से करती आ रही है। हम लोग जो भी जिसको ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को हम लोग जॉब देते हैं, काम देते हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं वो लोग। और दूसरी बात, जो अनाथ लोग हैं जिनको ठंडी के टाइम में कंबल बांटना है, या जैसे आश्रमशाला होती है, स्कूल होता है, तो उसमें नोटबुक्स देना, बुक्स बांटना, पेंसिल पेन ये सब देना, ये सब काम हमारे सोशल एक्टिविटीज़ हमारी जो संस्था है ये पिछले 22 साल से करती आई है। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज ये जो अवार्ड मिला है, मुझे जो ये अवार्ड मिला है, पिछली बार दादा साहब ऐसे कम से कम 18 से 20 अवार्ड आज तक मुझे हमारे संस्था को मिले हैं, तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि ये जो रे ऑफ होप, ये जो संस्था है जिनके थ्रू मदर टेरेसा का जो ये अवार्ड मुझे मिला है, नॉमिनेशन मिला है, तो उसके लिए सभी टीम को थैंक्स। ओके, थैंक यू। यहाँ पे आज मुझे पुष्कर ओझा जी के बुलावे पे मैं आई हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं एक्चुअली बचपन से गाती हूँ, और 1991 से मुझे जो भी अवार्ड मिले सर सारे अवार्ड सिंगिंग के मिले हैं। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है कि इतना अच्छा मदर टेरेसा जी के नाम का अवार्ड मुझे मिल रहा है। और क्योंकि मेरा कोविड में एक मैसेज था कि इंसान ख़त्म हो सकता है, इंसानियत ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और पुष्कर जी ने मुझे, पता नहीं उन्हें जो भी मैं छोटा मोटा काम कर रही हूँ फॉर सीनियर सिटीजन्स, फॉर म्यूज़िक, एंड कोविड में मैंने जो छोटा मोटा हेल्प किया है, मैं जो बोलना नहीं चाहती हूँ मेरी हेल्प जो भी हुई है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज ये अवार्ड मिलने के लिए सॉरी पकड़ कर जिनकी चली थी एक राह एक मंजिल का सफर था, अरमानों की न कोई कमी थी, छूट गई जो उंगली तुम्हारी, अब ढूंढती हो दुनिया प्रोफेसर रेणुका बांगड़ है। मैं एक एडुकेशनिस्ट हूँ, पर्सनालिटी एनहांसमेंट कोच और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो मुझे ये अवार्ड से नवाजा है फॉर डूइंग अ सोशल कॉज इन द टाइम ऑफ कोविड्स, यानी मेंटल हेल्थ को रिलेटेड मैंने काफ़ी टीचर्स, स्टूडेंट्स और सोसाइटी के उन लोगों को जो डिप्रेशन से गुजर रहे थे, मैंने उनका साथ दिया डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। तो जब हमें अवार्ड दिया जाता है तो नेचुरली अच्छा लगता है, जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं समाज के प्रति। जब ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे और काम करने का मौका लगता है। और मदर टेरेसा अवार्ड, तो आपको पता है कि मदर टेरेसा एक ह्यूमैनिटी की मिसाल थी, सब गरीब लोगों को मदद करती थी, जितने भी लेप्रेसी वगैरह हैं उनके लिए वो मदद करती थी, मतलब पुअर पीपल को ऑलवेज। वो बाहर देश से आई थी और यहाँ पे इंडिया में उसने देखा ये सब चीज़ें, तो यहीं पे बस गई। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अवार्ड इतना
मायने रखता है, पूरी दुनिया में वो मतलब उनको नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो जब मुझे इस अवार्ड से मतलब सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मेरा नाम अरुणा नाम है। और मैं इस फील्ड में, सोशल वर्क की फील्ड में, कोरोना के समय में गई हूँ। मैंने कोरोना के समय जब पर्सनली जाके मैं थोड़ा बहुत अपने हाथों से करती थी, जब मैंने देखा कि हालात बहुत बुरे हैं तो फिर मैंने और भी फ्रेंड्स लोगों को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ आप काम करोगे, तो वो लोग भी मेरे साथ जुड़े और ऐसे मैं आगे बढ़ती रही। हमने सीनियर सिटीज़न के लिए वैक्सीनेशन करे थे और लड़कियों को बुक्स, मीडिया लोग को राशन, सीनियर सिटीज़न को राशन वगैरह, मेडिसिन सब दिया था। और आगे भी मैं ये काम करती रहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को। मैं मिसेस अर्चना दीक्षित मेरा नाम है, आई एम मिसेस इंडिया। आज का ये जो अवार्ड है रे ऑफ होप के तरफ से जो मिला है, वो मिला है मुझे ग्रूमर और जूरी के लिए मिला है। मैंने इससे पहले भी कुछ पेजेंट्स थे जिसमें मैंने लड़कियों को ग्रूम किया है और उनकी जूरी भी बनी हूँ पेजेंट्स में। सो इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। और आप सब जैसे कि जानते ही है कि इस कोरोना के दौरान सबने बहुत सफ़र किया है, तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं नेवल ऑफिसर की वाइफ हूँ और बीइंग नेवल ऑफिसर्स वाइफ वी वर्क फॉर वुमन एम्पावरमेंट। तो उसमें भी मैंने काम किया हुआ है, जो राशन पानी होता है वो हमने। सबसे पहले रे ऑफ होप को मैं धन्यवाद करता हूँ, एडवर्ड जी को धन्यवाद करता हूँ, शैले जी को धन्यवाद करता हूँ और पुष्कर जी को धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे इस मदर टेरा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे तो काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, लेकिन ये 31st अवार्ड मिला, 31वां अवार्ड है मेरा। और हमने हेल्दी वेल्दी आयु और पेंडेमिक में काम किया है, जिसमें पैरालाइज पेशेंट हो गए, सोराइसिस पेशेंट हो गए, इनको काफ़ी हेल्प हुई है। तो उस वो सारे कामों के ज़रिए हमें काम कर रहे हैं और उनको अवार्ड मिल रहा है। जहाँ भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है, मुझे बुलाया जाता है तो मैं पहुँच जाता हूँ और उस सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं एडवर्ड पलेरा है और रे ऑफ होप का मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। क्योंकि देखो, ये अवार्ड जो जिन्होंने अच्छे काम किए, कार्य किए, उन्होंने उनको हमने बहुत मुश्किलों से शॉर्टलिस्ट किया है, क्योंकि जैसे इनको अवार्ड मिलेगा ये और काम करेंगे और उत्साहित होंगे, इसके लिए हमने उनका काम के लिए अवार्ड दिया है। ये एक्चुअली क्या है, हमारा संस्था आज से नहीं, 15 साल से सोशल सर्विस में है और हम लोग एडुकेशन, मेडिकल और इसके अलावा राशन वगैरह बहुत तो फैमिलीज़ को बांटते हैं। जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होगा हमारा संस्था पहुँच जाती है, जो हो सके हम लोग करते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक शैलेश भाई फॉर गिविंग मी सपोर्ट और ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए बहुत उन्होंने मदद किया है। और मेरी जो टीम है, बैकएंड टीम, विशाल वाघमारे, मेरा लड़का जो है रॉय परेरा, ज्योति सिंह, इन्होंने भी बहुत सारे हेल्प करके ये प्रोग्राम को सक्सेस करवाया है। मेरे दोस्त से मैंने प्रॉमिस किया था कि एक अवार्ड शो करेंगे, उसने मेरी बात रखते हुए बोला कि मदर टेरेसा अवार्ड शो करते हैं। और हमने एक महीना पहले आई थिंक सो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद हमने इसको काम को आगे बढ़ाया और आज आप सब लोगों के सामने नतीजे है। आज आप लोगों को भी अवार्ड मिला है, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को भी अवार्ड मिला। और ये मेरा भाई का क्या कहना है, बस मन में था करना, उसने कर लिया, तो मैं ये जो शेयर है ना, मैं इसको देना चाहता हूँ कि इसने मुझे मौका दिया यहाँ पर स्टेज पर खड़ा रहने का, संभालना देना। संभालना देना मतलब एक भरोसा होता है और ये भरोसा मेरे भाई ने दिया और आई थिंक सो लगता है मैंने भरोसा पूरा किया है। ऊंच नीच होती है लेकिन भाई ये हम हो जाएगा आज नहीं तो कल। बाकी मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आइए सपोर्ट कीजिए रियोप संस्था को और साथ दीजिए। थैंक यू। देखिए क्या है, एडवर्ड का मेरा पर्सनल बात हुआ था कि हम ये अवार्ड देंगे तो हम सेलिब्रिटी को नहीं लाना चाहते थे,
हम उन लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने कोविड में काम किया था। और उसी तरह से हमने पूना से बोलो, हमने सूरत से बोलो, हमने इनका मेल में चेक किया, प्रोफाइल चेक किया और उस से हमने उनको बुला कर यहाँ पर मान सम्मान दिया। क्योंकि मदर टेरेसा एक बड़ा नाम है, नाम में नाम है मदर टेरेसा, तो हमने चाहते कि उनका जो नाम है ना वो बा अब इसको तो अभी साइड में ले लीजिए, ये देख लिया ना आपने, ओके सर पकड़ो जी हाँ। देखिए मैं परेरा साहब से कुछ 10-15 दिन पहले मिला हूँ, तो उन्होंने कहा कि दिलीप जी एक अवार्ड हो रहा है, तो अवार्ड तो यहाँ बहुत से होते रहते हैं, जैसे ही उन्होंने मदर टेरेसा नाम लिया कि भाई हम मदर टेरेसा के नाम से कर रहे हैं और उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिन लोगों ने कोविड में अपना काफ़ी योगदान दिया, मतलब समय दिया। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बगैर इलाज के अगर कुछ लोग बहुत ठीक हुए हैं तो इसी तरीके से ठीक हुए कि लोगों ने तहे दिल से उन लोगों की सेवाएं की, उनकी मदद की हर तरीके से, पैसे से लेके, शरीर से लेके, दवाइयों से लेके, तो ये अवार्ड उन लोगों को मिला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मदर टेरेसा एक नाम इतना प्यारा नाम है कि मदर का नाम लेते टेरेसा का नाम लेते आधी बीमारी तो वैसे ही भाग जाती है। और जो ये अवार्ड इन्होंने शुरू किया है, आई होप कि मतलब ये अवार्ड ऐसे ही बनाते रहें, आगे चलता रहे ये अवार्ड और हम लोग सब इससे जुड़ें, ना कि ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म वाले नहीं, और भी लोग इससे जुड़ने चाहिए और इस संस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज तो हम लोग जमा हुए हैं, आज कुछ लोगों को इन्होंने सम्मान दिया जी, बहुत ही प्यारे इंसान हैं, इंसान के साथ साथ वो जितने अच्छे मीडिया के जो हैं मतलब चैनल से हैं जुड़े हुए हैं उसके अलावा इंसान बहुत प्यारे हैं। और वो जब कोई भी ऐसी जेन्युइन संस्था या बड़ी संस्था इनको नज़र आती है तो उस संस्था के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर हम जैसे लोगों को उनका एक ही फ़ोन बहुत है। क्योंकि शैलेश वैसे किसी भी कलाकार को ऐसी वैसी जगह पे ऐसे वैसे अवार्ड के लिए नहीं बुलाता, तो ये जब भी इनका फ़ोन आता है तो मैं मतलब प्राउड से आता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि शैलेश जी जो भी अवार्ड में मुझे बुलाएंगे वहाँ वो सम्मानीय अवार्ड होगा और बहुत ही प्यारा अवार्ड। तो शैलेश जी के तो मैं इतना ही कहूँगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और हमारा प्यार भरा नमस्ते सबको। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि द रे ऑफ होप इट्सेल्फ इज़ अ वर्ड टॉक्स अबाउट हाउ हैवी द सेवा द सर्विस टू द मैनकाइंड एंड स्पेशली द अवॉर्ड फॉर मदर टेरेसा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अवॉर्ड एंड व्हेन यू रिसीव दिस अवॉर्ड आई थिंक द मोर वर्क विच वी डू फॉर द सोसाइटी इट कम्स आउट दैट व्हाई वी आर गेटिंग दिस अवॉर्ड। The main thing is that when I was being told to come for this event as a chief guest for the Hope Ray of Award, I was thinking what exactly they are doing. But when I found out that they are doing for the Mother Teresa Award, I think the people who are working in the society, they should be recognized. And I think what Edward Ji and Sailesh Ji and Pushkar Ji, what they are doing for bringing everybody together on this platform and helping the society at large. So I think this is a very important thing that we should all help each other, and especially in this COVID time. If we don't help each other, who is there? So I think coming here and having the experience, being together, supporting each other, that is the main thing. And I think the more we come together on this platform, the more we can help the world. The world will be a better place for everyone to live. Thank you and namaste to all of you.